टेन का सिविक्स का चैप्टर वन का पार्ट थ्री देख रहे हैं। हम लोग अभी तक देखे थे श्रीलंका के बारे में, वेजिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, और उसका जो बेल्जियम का कंपोजिशन था उसको समझे थे पिछले क्लास में। आज हम लोग समझेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, कि बेल्जियम में किस तरह से बुद्धिमत्ता से उन्होंने सत्ता का बंटवारा किया, जो कि एक बेंचमार्क बन गया दुनिया के लिए। दुनिया को लगा कि बेल्जियम जो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड, जिसका इथनी कंपोजिशन था, इथनी कंपोजिशन में जातीय समीकरण था, वहाँ पर कितना अच्छा तरीके से वो लोग ने सत्ता का बंटवारा कर लिया। अब यहाँ पर इसको समझें कि बेल्जियम लीडर्स कैसे किया, टू का डिफरेंट पाथ, कि बेल्जियम लीडर्स जो थे उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस, यहाँ देखिएगा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस, कि जो क्षेत्रीय अंतर था, विभिन्नता था, या कल्चर डाइवर्सिटी था, जिसका सांस्कृतिक विभेद था, उसको दोनों को पहचान बनाए रहा। दे रिकॉग्नाइज कि किसी का भी, चाहे वो फ्लेमिश रीजन डच स्पीकिंग का हो, या फिर फ्रेंच स्पीकिंग का हो, या फिर जर्मन स्पीकिंग का हो, सभी का उन्होंने अस्तित्व बचाए रखा, ताकि धरोहर जो है बचे रहे। इसको इसलिए इस पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि जितना भी ये वीडियो बन रहा है वो 2022 को एग्जाम में ध्यान रखते हुए बन रहा है। अब यहाँ पर क्या उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने क्या क्या ध्यान दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशंस अब यहाँ देखेंगे कि बिटवीन 1972-93, यहाँ देख रहे 23 ईयर्स में, जब वहाँ पर जो 1970 में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया, तो उस वहाँ से 23 साल में उन्होंने अमेंडमेंट माने परिवर्तन, या जिसको हम लोग कहते हैं संशोधन, तो वहाँ ने जो अमेंडमेंट है संविधान में उसमें वही लिखा हुआ है कि 1972-1993 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, माने 23 साल में सिर्फ 4 बार ही कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ। हम लोग का इंडिया में देखेंगे तो हम लोग को अभी 122 अमेंडमेंट हो चुका है, संशोधन हो चुका है, तो 23 साल में 4 साल। सो एज टू वर्क आउट एट अरेंजमेंट डैट वुड इनेबल एवरी वन टू लिव टुगेदर, कि सभी बी द सेम कंट्री, कि सभी लोग एक ही देश में रह सकें, चाहे जितने भी उसमें रीजनल डाइवर्सिटी हो या फिर ये कल्चरल डाइवर्सिटी हो। तो हेयर आर द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब दुनिया में ये पहला मॉडल था इस तरीके का, कॉम्प्लिकेटेड मॉडल था। तो वहाँ क्या क्या था, तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, प्रिस्क्राइब्स, उसने बताया कि डेट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंटर गवर्नमेंट। जैसे यहाँ सेंटर गवर्नमेंट है हम लोग का, तो सेंटर गवर्नमेंट में अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, उसी तरीके से जैसे वहाँ पर अलग 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 जो मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पर क्या कि जितने मिनिस्टर हैं, अगर तो अभी 32 मिनिस्टर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो 32 में 16 जो होंगे वो डच से हैं, और जो 16 है वो फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले, यानी दोनों को इक्वल दिया गया। यानी सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, कि एक भाषा बोलने वाले दोनों को, सबको इक्वल दिया गया। अगर वहाँ पर तो जैसे अगर देखेंगे जो फ्लेमिश रीजन है, डच स्पीकिंग थे, डच बोलने वाले थे, तो उनका बोलवाला होगा, वो ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन वहाँ ये नहीं किया। डज नो सिंगल कम्युनिटी, यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो था कैन मेक डिसीजन अन यूनिलेटरी, कि कोई भी एक कम्युनिटी, एक समुदाय, एक जो भाषा है वो वहाँ पर डोमिनेंस नहीं हो सके। फिर मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री, कि यानी जो दोनों क्षेत्र में है, जैसे फ्लेमिश रीजन या फिर बेलनिया रीजन, दोनों में मतलब कि एक ही माने वो लोगों को पावर का जो शक्ति है एक जैसा माने बांटा गया। जैसे इंडिया में है कि पुलिस है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन अगर डिफेंस होगा, रक्षा की बात होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। तो इसीलिए हम लोग कंट्री में 3 लिस्ट बनाया गया है, यूनियन लिस्ट, अगर सत्ता का जो हम लोग का ये है पावर शेयरिंग है तो यूनियन लिस्ट है इंडिया में, फिर स्टेट लिस्ट है, फिर उसके बाद जाके तीसरा है कंकरेंटली, अगर दोनों कहीं लिस्ट दोनों को मैंने पावर बना सकता है। फिर तीसरा था कि ब्रुसेल्स, जैसे देखे कि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग की संख्या ज़्यादा है 80%, तो एज अ सेपरेट गवर्नमेंट, जैसे हम लोग का दिल्ली में भी अलग गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पर अभी श्री अरविंद केजरीवाल जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसी तरह ये सॉरी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ठीक ब्रुसेल्स जो है सेपरेट गवर्नमेंट इन विच द बोथ कम्युनिटीज हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, कि दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, जबकि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग का बोलबाला था,
फिर भी अब ये सब कुछ छोड़कर जो चौथा था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, तीसरा लगा था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था कि एक समुदाय का, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग या जर्मन स्पीकिंग उसमें था, और उन लोगों का काम क्या था इस तरह का गवर्नमेंट का, तो हैज द इक्वल रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लिंग्विस्टिक रिलेटेड इशू। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्टेट, यानी जो भाषा के आधार पर जो सिविल वार हो जो कि श्रीलंका में स्टार्ट हो गया था, कि श्रीलंकन तमिल और जो ये सिंगला के बीच लड़ाई चढ़ गया था, द टू मेजर कम्युनिटी, तो उसमें जो कहा था एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स व्हेन मेनी कंट्री ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन। और इसी में देखेंगे इसका प्रभाव था कि जब यूरोपियन यूनियन बन रहा था, जितना अभी ईयू का कहा जाता है, जिसका हम लोग जो है माने ब्रुसेल्स को चुना गया इसका हेडक्वार्टर, जो उसका कैपिटल है बेल्जियम का। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन उठता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजरेबल, क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है, पावर शेयरिंग जो सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है। तो हम लोग पाँच पॉइंट इसको याद रखना है कि टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर, यहाँ फेवर की स्पेलिंग एफ ए वी ओ यू आर होगा, यू छिटा हुआ है, ऑफ पावर शेयरिंग, कि दो कारण है बड़ा, तो ये इसको याद रखना है, इस पॉइंट को याद कर लेना है कि हम लोग को सत्ता जो का बंटवारा क्यों जरूरी है। तो इसके एकदम याद करिएगा 2022 के लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए पाँच मिनट बनाया गया है कि पाँच नंबर का था, तो ये पाँच नंबर आपको देना है। तो फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड, पावर शेयरिंग सत्ता का बंटवारा अच्छा है, क्योंकि बिकॉज इट हैव टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, कि जो समुदाय सामाजिक समुदाय उसमें लड़ाई ना हो। फिर देयर इज ए सेकेंड डीपर रीजन, सबसे बड़ा कारण है कि वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक हम लोग कोई भी करते दिल से किया गया, ये धड़कन है पावर शेयरिंग लोकतंत्र के लिए, कि पावर शेयरिंग अच्छा से होगा तो लोकतंत्र चलेगा। डेमोक्रेसी रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाई इट सक्सेस हु हैव बिलीव विद इट्स फेट, कि सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है कि जो लोकतंत्र का जो है सत्ता का बंटवारा यानी पावर शेयरिंग है वो धड़कन है, और डेमोक्रेटिक रूल जहाँ लोकतंत्र चलता है वहाँ पर अगर पावर शेयरिंग है तो यहाँ पर किसी भी तरह का इसको लागू होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट कॉल था जो फर्स्ट रीजन, हम लोग यहाँ फर्स्ट रीजन देखें, ये फर्स्ट रीजन इसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंशियल, और सेकंड रीजन को हम लोग कहते हैं मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, मोरल रीजन क्या है, दोनों क्लियर हो गया आप लोगों को। वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्टेट्स स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, कि प्रूडेंशियल रीजन है जो सत्ता का जो बंटवारा है वो उसका अच्छा परिणाम आता है, और मोरल रीजन है कि हम लोग को पावर शेयरिंग को और मूल्यवान बनाना होगा। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, तो यहाँ पर है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अगर जैसे पावर शेयरिंग किस तरीका दिया जाता है, तो जहाँ पर जो सत्ता का बंटवारा होता है, जैसे इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर तीसरा भी एक है पंचायती सिस्टम जिसको थर्ड टायर कहा जाता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव डेट पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन वन ग्रुप ऑफ रीजन लोकेटेड वन प्लेस, कि बहुत लंबे समय तक ऐसा माना गया कि पावर जो है एक ही हाथ रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग डेट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पोलिटिकल पावर, पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है कि पीपुल जो है एक स्रोत है। फिर इफ़ द इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर अच्छा लोकतांत्रिक सरकार चाहिए तो ड्यू रिस्पेक्ट इन गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, कि हर समुदाय को वैल्यू देना होगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर क्रिश्चियन हो, या फिर बौद्धिस्ट हो, सबको, और उसको समाज में एग्जिस्टिंग उसका व्यूज उसका विचार को बनाए रखना होगा। एवरी वन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ द पब्लिक पॉलिटिक्स, कि सभी की आवाज़ को अगर सुना जाए तो एक बड़ा महान पावर शेयरिंग होता है पब्लिक पॉलिटिक्स है। देयर फॉर इट फॉलोज डेट द डेमोक्रेसी पोलिटिकल शुड बी डिस्ट्रॉयड एमंग द मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। अब इसको हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट लुक एट द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट डेट वी हैव विल कलर, कौन कौन सा है। तो यहाँ दो तरीका से होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब हो गया यहाँ पर लेजिस्लेटिव, इसको शॉर्ट में लेजिस्लेटिव लिखते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव, जहाँ पर लेजिस्लेटिव मैंने पार्लियामेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर का मिनिस्टर हो गया, और जुडिशरी तीनों का अलग करता है। फिर यहाँ पर अगर वर्टिकल हो गया तो वर्टिकल क्या चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती सिस्टम। तो पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं लेटेस्ट कॉल दिस द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर,
कि एक दो तीन, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन है इसलिए। तो ईट विल हैव डिफरेंट ऑर्गन टू गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट वर्क, कि दो तीनों एक दूसरे को चेक करता है, चेक एंड बैलेंस इसको कहा जाता है। अगर ओरिजेंटल हो गया, यहाँ लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, अगर जो ये पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर कुछ गलत कानून पार्लियामेंट में पास ये बन गया पार्लियामेंट में लाया तो हो सकता है तो वो पास नहीं करे, अगर पास भी हो गया तो जुडिशरी उसको देखता है कि ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं, संविधान के अनुसार है कि नहीं। फिर है पावर मे बी शेयर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में भी बांटा जा सकता है, चाहे रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। जैसे इंडिया में हम लोग का स्टेट जो बना हुआ है लिंग्विस्टिक आधार पर बना हुआ है, जैसे तमिलनाडु में तेलुगु बोला जाता है, कलकत्ता में जो बंगाली बोलने वाले लोग हैं, तो इस तरह से फिर कम्युनिटी गवर्नमेंट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो सीन इन इन द वे ऑफ पोलिटिकल पार्टी, चाहे पोलिटिकल पार्टी में भी पावर शेयरिंग दिखाया जाता है कि हर बार उसका प्रेसिडेंट अलग अलग चुना जाता है। जैसे अभी बीजेपी के जेपी नड्डा प्रेसिडेंट, इससे पहले अमित शाह हुआ करते थे, उससे पहले राजनाथ सिंह थे, या कांग्रेस का अभी जो वर्किंग अभी जो वर्किंग कमेटी का जो अध्यक्ष है या कांग्रेस कमेटी का, उसमें सोनिया गांधी है, उससे पहले भी सोनिया गांधी थे, उससे पहले सीताराम केसरी थे, तो अलग रहता है। फिर प्रेशर ग्रुप में देखा जाता है या फिर मूवमेंट्स में जब आंदोलन होता है उसमें देखा था। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।